जी, मैं नीरज सिंह जी, संरक्षक मातृभूमि कन्या संगठन, और आप मेरे अध्यक्ष हैं आरिफ अंसारी जी, बड़ी सदस्य मंटू सिंह जी मुरियारी, और आप छोटे भाई हैं, आपकी संगठन के सदस्य। सर ये बताइए कि पर्यावरण के प्रति आप की उदारता देखने से ही लगता है कि आप पर्यावरण के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, इस संबंध में थोड़ा सा चर्चा करिए कि ये पेड़ कहाँ कहाँ आपने लगवाया। जी धन्यवाद। अब तक हमारा संगठन जो है कम 3000 पेड़ लगभग लगवा चुका है, और जिसमें से हम लोगों के संगठन की उपलब्धि रही है मातृभूमि कन्या संगठन की, कि 2000 से अधिक पेड़ हम लोग सुरक्षित रह चुके हैं। उसके अंतर्गत अपने जो खनिया तहसील क्षेत्र में और गाजीपुर जिले में अलग अलग ग्राम सभाओं में जगह जगह पेड़ लगवाए गए हैं, और उन पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने अधिकांश जगह पे ईंटे के थाले और कई जगह पे लोहे की जो है जो जाली वाला थाला होता है उसको भी लगवाया गया। अच्छा ये बताइए कि प्रदूषण के प्रति सजग रहने का यह संकल्प किसी और को प्रेरित करते हैं या अपने स्वयं कर लेते हैं? यह संकल्प सबसे पहले तो मैं स्वयं लेता हूँ कि मैं उससे प्रेरित रहूँ और मैं उस काम को अच्छे तरीके से कर सकूँ, कि ताकि मुझे देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हों, और बाकी लोगों को मैं देखता हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पता चलता है कि एक से एक अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं जो प्रदूषण को कम करना चाहते हैं, तो हमको भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मातृभूमि संगठन द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं हैं, और उस योजना के तहत वृक्षारोपण जखनिया विकासखंड में जितने भी ग्राम सभा हैं उसमें आपके द्वारा या आपके संगठन द्वारा किया गया, उसको लेकर मैं उस चर्चा करना चाहूँगा आपसे और जानने का प्रयास करूँगा कि अब तक संगठन कहाँ तक इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। जी धन्यवाद। संगठन का काम निरंतर वृक्षारोपण के प्रति सजग रहना और पर्यावरण के प्रति समर्पित रहने का रहता है, और हम लोग अभी तक तो है जखनिया तहसील के अधिकांश गांव में अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं, और उन सबसे बड़ा दायित्व तो है उन पेड़ों की सुरक्षा करना। जो भी पेड़ लगाए गए हैं सदस्य गांव गांव में उन पेड़ों को देखते हैं, उनकी देखरेख सुनिश्चित कराई जाती है। संगठन जो पेड़ लगे हैं मैं देखता हूँ कि आपके द्वारा या आपके संगठन द्वारा तमाम इसके देखरेख की भी व्यवस्था की जाती है, इसको किस प्रकार से आप लोग मैनेज कर पाते हैं? इसके लिए हम लोग गांव-गांव के जो अपने संगठन के सदस्य हैं और जो समाजसेवी लोग हैं और जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं उनसे आग्रह किया जाता है, निवेदन किया जाता है कि आप लोग उन पेड़ों की देखभाल करें और उस पेड़ को अपना स्वयं का पेड़ समझकर, क्योंकि पेड़ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, उसका फल उसकी छाया उसका वायु पूरा समाज के लिए समर्पित होता है, संगठन को प्रेरित करते हुए यह काम कराया जाता है। संगठन अभी किसी नई योजना पे कार्य करने का विचार बना रही? जी बिल्कुल, संगठन फिलहाल हम लोगों का शादी सहयोग बक्सा चलता है, उसमें सहयोग लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जैसे ही किसी गरीब परिवार की लड़की की चयन हो जाएगा तो उसके शादी में अपने संगठन की ओर से अनुदान और जो सरकारी अनुदान मिलता है उसको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद सर।